हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की ये मेरी वीडियो होने वाली हेयर कटिंग के ऊपर, और यह है हेयर कटिंग बॉय कटिंग। देख सकते हैं कि हम इनकी कटिंग करेंगे हेयर्स की। तो ये हेयर से ब्लंट कट में कटा हुआ था, अब हमें करना है बच्ची के ऊपर बॉय कटिंग। तो ये इस तरह से हमने क्या किया है, पहले हेयर को अच्छे से वाटर स्प्रे से, फिर हमने क्या किया है, क्राउन एरिया में हेयर्स को पहले डिवाइड कर लिया, क्राउन एरिया के हेयर्स को डिवाइड कर लिया है, फिर ऊपर पिनअप कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो नीचे के हेयर्स है ना, अब हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं, इस तरह से पकड़ पकड़ के शॉर्ट कर रहे हैं सीजर्स की मदद से। अच्छे से इसको कॉम की मदद से ना इस तरह से कट करना है ऊपर, जिससे कि आपके ऊपर के हेयर थोड़ा से लंबे हों, नीचे के शॉर्ट हों, बॉय कट की तरह। इस तरह से हम कट कर लेंगे। उसके बाद से फिर ये देखिए, हल्का हल्का उठा के कॉम की मदद से हम कट करेंगे। हम बहुत सिंपल वेब में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत नॉर्मल कटिंग ही की है, कुछ इसमें स्टेप्स या कुछ भी नहीं हुआ है, और बहुत नॉर्मल और बहुत जल्दी हो भी जाएगा ये हेयर कटिंग। देखिए बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए आगे के फ्रंट के हेयर ना, अब हमें क्या करना है, आईब्रोज के अकॉर्डिंग, आईब्रोज के देखिए, आईब्रोज के सामने से ही हमने कट कर लिया इस तरह से। देखिए इस तरह से कट कर लिया, फ्रंट के भी हेयर कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कान के पास के हेयर है ना, उसको भी कट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही। उसके बाद फिर ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे, जो पीछे कान के पीछे के हेयर्स होते हैं ना, उसको आगे के साइड ले आके फिर उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा अब उठा के हम कट करेंगे, जिससे थोड़ा सा उसमें वेव आ जाए, बाउंसी दिखे। ये देखिए इस तरह से अब इस ईयर के पास के हेयर भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट करेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग भी हो जाएगी और बहुत आसानी से भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी पूरी कटिंग कि कैसे करे हैं हमने। अब हमें क्या करना है, जो क्राउन एरिया पे हमने हेयर को पिनअप किया, उसको खोल लिए हैं। उसके बाद फिर हम अच्छे से कॉम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड हल्का सा लेके हम उसको इक्वल में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इक्वल में कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए हेयर्स को छोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे ना, नीचे के हेयर्स और ऊपर के हेयर्स को दोनों को हमने मतलब बराबर करना है इस तरीके से। देखिए ऊपर जो हेयर्स बड़े हैं ना, उसको और नीचे के हेयर्स को, बीच के हेयर जो हैं उसको हमें बराबर करना है। ऊपर की हमारी गाइडलाइन बन गई, नीचे के हेयर से मैच करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी, हेयर कटिंग समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से अपने पार्लर में इसको किया था। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, करने का टेक्निक अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।